एंटी इनकोचमेंट जोन वन में एंटी करप्शन की कार्रवाई। एंटी करप्शन ने दो एहलकारों को हिरासत में लेकर रिश्वत की रकम बरामद कर ली। आपने दिए है ना पैसे? आपने बोला ये रख ले, क्यों हमारे? आपने दिए है ना पैसे? दोनों के पास आपका इधर ही है ना? सर मैं गेट पे संतरी था। आप इधर ही हैं? ये आपने किस बार के लिए? किसके लिए लिए हैं? अहमद साहब के लिए। कौन है अहमद? अहमद साहब ईस्ट के इंचार्ज है सर। ईस्ट के इंचार्ज? ईस्ट के इंचार्ज है, ईस्ट जिला होगा ना, मैंने ईस्ट से साउथ के ईस्ट के इंचार्ज में गेट पे बैठा हुआ था। इंचार्ज है अब से बेजा में बिठाए गए 6 मजदूरों को भी बाजियाब करा लिया गया। एंटी करप्शन को इतला मिली के एंटी इंक्रोचमेंट का अमला दस्तगीर से मकान की तामीर के दौरान मजदूरों को उठाकर लाया है और इनकी रहाई के अवैध बिल्डर से रिश्वत वसूल कर रहा है, जिस पर एंटी करप्शन की टीम ने छापा मार कर हेड कांस्टेबल शाहरुख से 30,000 रुपए रिश्वत की रकम बरामद करके इसे और एहलकार अली सोमरो को रिकॉर्ड समेत हिरासत में ले लिया, जबकि 6 मजदूरों को भी बाजियाब करा लिया। छापे के बाद दोनों इदारों में सब का आगाज हो गया और एक दूसरे पर इल्जाम की बौछार कर दी। क्यों लेके आए? ये मजदूरी कर रहे थे ना वहाँ पर। हाँ। मैं चौकीदार हूँ, काम करता हूँ। ठीक है, प्लाट किसका था? कहाँ से लेके? प्लाट किसका था? ये फैजान ले गया सर। फैजान कौन है? बिल्डर है। आपको ये क्या बोल के लेके आए यहाँ पर? कुछ नहीं, हमें लेके आए भी मालूम यहाँ पर वो मालिक सराब था। कौन आया था वहाँ पर? यहाँ पे, यहाँ पर, वहाँ पे आपको लेने कौन आया था? लेके वाला भाई वो लेके आए यहाँ। नाम क्या था? रोजराम। एंटी करप्शन के जराये के मुताबिक मुदई के अपने बयान से फिर जाने के बाद दोनों एहलकारों को रहा कर दिया गया, जबकि रिश्वत की रकम भी बरामद हुई थी और हफ्से बेजा में मजदूरों को भी बाजियाब कराया गया था। दूसरी जानिब एंटी इंक्रोचमेंट के जराये का कहना है कि एंटी इंक्रोचमेंट ने खतरनाक मफरूर को हिरासत में लिया था। ये छापा इस मफरूर मुलजिम को भगाने के लिए मारा गया था। वाजा रहे कि C110 न्यूज ने कई बार इस बात की निशानदेही की थी कि एंटी इंक्रोचमेंट के मुख्तलिफ थानों का अमला जेर तामीर मकानात से मजदूरों को लाकर हफ्से बेजा में रखता है और लाखों रुपए वसूली के बाद इन्हें रिहा किया जाता है। जुमेरात के रोज एंटी करप्शन के छापे के दौरान एहलकारों से रिश्वत की बरामदगी और मजदूरों के बाजियाब होने के बाद ये खबरें दुरुस्त साबित हुई। अफजाल खान, C110 न्यूज, कराची। C110 न्यूज, खबर की असल खबर।